Zombie apocalypse. गाइस मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं एक हॉट ट्रेंडिंग रिलिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। तो यहां पे किसमें आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। तो जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरीके का एक ट्रेंडिंग स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके, तो ये मेरी वीडियो आपके अंत तक लास्ट में देखनी होगी। तो चलिए कि इस मिनट में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे कि आपको जो अपना लाइट मोशन एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेनी है। अगर आपने प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाकर कोई एक रेशो चूज करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट है वो इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ उलझन मेली। तो ये किस मैंने मिड में किया, मैं किस यहाँ पे जो सा एक फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद यहाँ पे कि जो सा कलर इसका यहाँ पे वाइट चूज़ करूँगा। देन मैं किस यहाँ पे जो सा साइज़ है वो किस मैं इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो 36 के करीब इस मैंने रखा है। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपने देख लेना कि पैरालिक्स गेज कितना आता है, तो उस हिसाब से आपने जो सा इसको ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे कि आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे कि आपने जो सा जूम वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। एक ही गेज आपको यहाँ पे यूज़ करनी है और एक ही गेज आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। इसको गेज आपने भरा लेना है, जितना गेज आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से गेज आपने इसको भरा लेना है। भराने के बाद यहाँ पे मेन में आना है और दरमियान में गेज आपको जो सा एक ग्राफ यूज़ कर लेना है। यहाँ पे गेज खाली एक ही ग्राफ जो सा गेज यूज़ होगा। तो ये गेज यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा। ठीक है, अगर आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। ऐड इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सर्च के ऊपर आपको पिंच लिख लेना है। तो ये फर्स्ट के ऊपर आ चुका है पिंच बल्ब के नाम से, तो उसको गेज आपने क्लिक करना है। स्टेटस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। हो सकता है गाइस ये जो सा स्टेटस है ये गाइस ऊपर नीचे हो जाए, बट गाइस मैंने इसको फुल कोशिश की है एक अच्छा क्रिएट करने के लिए। तो गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। सबसे पहले गाइस आपने यहाँ पे एक की यूज़ करना है, इसको गाइस आपने ज़ीरो कर लेना है, याद रहे बिल्कुल ज़ीरो। तो ये आ चुका है यहाँ पे ज़ीरो। ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे की यूज़ करना है और इसको गाइस आपने कुछ इस तरीके से कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अगर आपने जो सा रेड्यूस होगा इसको भी आपने ज़ीरो कर लेना है, ये कुछ इस तरीके से। और भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। इसको भी आपने जो सा तकरीबन कोई माइनस कर लेना है, कोई 200 के करीब। ठीक है, अब कि आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। अगर आपको ऐड इफेक्ट के ऊपर दोबारा फिर क्लिक करना है, यहाँ पे कि आपको ब्लर वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर गैसिंग ब्लर है वो गीज़ आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद गैसिंग ब्लर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। एक ही गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करना है, इसको भी आपने भरा लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे 450 के करीब कर लेना है। तो ये 450 हो चुका है। आगे जाना है यहाँ पे की यूज़ करना है, इसको भी आपने ज़ीरो कर लेना है। ज़ीरो करने के बाद इसको भी आपने मिनिमाइज़ कर देना है। दोबारा फिर आपको ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कि आपको जाना होगा करन राइट वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे कि आपको एक्सप्लोसिव गामा इफेक्ट है वो भी आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद इस इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे आ जाना इस ऑप्शन के ऊपर, यानी कि सेकंड की के ऊपर, एक ही गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करना है। फिर फर्स्ट के ऊपर आ जाना है, एक ही गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करके इसको गीज़ आपने पूरा 2 कर लेना है। गामा गीज़ आपको इतना ही रहने देना, यानी कि 1000 या 1 कह लो। और यहाँ पे कि जो आपको ऑफ सेट है वो गीज़ आपको यहाँ पे कर लेना है तकरीबन कोई 70 के करीब। ठीक है, तो ये 70 के करीब हो चुका है। अब आपने करना क्या, यहाँ से गीज़ आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना। अब गीज़ आपको दोबारा फिर ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गीज़ आपको वर्प वर्प है वो गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। यह आ चुका है वे वर्प के नाम से ही फर्स्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टेटस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, इसको गीज़ आपने ओपन करना है। यहाँ पे गीज़ आपने फेस वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। पहला की गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करना है, दूसरा की गीज़ आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। अब गीज़ आपने इसको जो सा है तकरीबन कोई 1.80 के करीब गीज़ आपको इसको रख लेना है। तो 1.80 के करीब इसको कर लेता हूँ मैं। तो ये यहाँ पर आ चुका है। एंगल जो सी इसका यहीं रहने दूंगा, स्पेसिंग जो सी 2.5 कर लेता हूँ मैं। तो ये होगी गाइस 2.5 के करीब हो चुकी है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो सा गाइस इसका मैं 0.7 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं गाइस यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ठीक हुआ या नहीं। तो यहाँ पे गाइस जो सी ये इससे आगे नहीं जा रहा, तो ये वाली की को गाइस आपने खींच के एंड तक कर ले जाना, जो गाइस मैं भूल गया था। तो अभी जो से ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे कि आप देख सकते हैं। अब जब आपने इसको भी मिनिमाइज़ कर देना, अब इस लास्ट के ऊपर एक इफेक्ट यूज़ करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर दोबारा फिर क्लिक करना है। यहाँ पे कि आपको लिख लेना है RGB, ये आ चुका है RGB स्प्लिट, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टेटस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कि आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कि आपको जो खाली इसकी स्ट्रेंथ है वो भी आपको इसको जो ठीक कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर आ जाता है ये, इसको जो मैं की यूज़ करूँगा इसको मैं पहले ज़ीरो कर लेता हूँ। तो ये ज़ीरो आ चुकी है। मैं इस फर्स्ट वाले की के ऊपर जाऊंगा और इसको भी जो से मैं 41 कर लेता हूँ।
यहाँ पे गाइस आप ऊपर देखें ये कलर जो है शैडो से जो है बाहर आ रहे हैं। या गाइस आपको देखने ना कि गाइस आप इसको कितना जो है इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये गाइस एंगल आ चुका है, एंगल यानी कि रेड वाले को गाइस आपने ब्लू की जगह करना, ब्लू वाले को रेड की जगह करना, जैसे कि इसमें आपको यहाँ पे एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये गाइस आपकी मर्ज़ी, आप गाइस हल्का रखे ज़्यादा रखे वो गाइस आपकी मर्ज़ी है, इसको गाइस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस आपको नीचे कुछ नहीं छेड़ना, गाइस आपने मिनिमाइज़ कर देना है। तो ये जो गाइस हमारा इफेक्ट होगा वो गाइस हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अगर आपको करना है किसी का गाइस आपने डुप्लीकेट लेयर लेना है, हमें गाइस आपको बताने वाला हूँ कि रेड गाइस आपने किस तरीके से यूज़ करना है। बस गाइस यहाँ पे जो है एक इफेक्ट की सेटिंग है जो गाइस आपको करनी है। सबसे पहले गाइस जो है मैं यहाँ पे रिलिक्स गाइस जो है चेंज कर लेता हूँ, उलझन मेरी सुलझा दे, ये गाइस मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे गाइस आपने सबसे पहले इसको रेड कर लेना है। रेड करने के बाद भी गाइस आप देख सकते हैं कि रिलिक्स का गाइस जो है कलर है वो गाइस जो है यहाँ पे वाइट है। तो गाइस आपको करना है क्या, इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे गाइस आपको गामा एक्सप्लोसिव वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। ऑफसेट जो गाइस आपने इसका चेंज करना है, ऑफसेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले गाइस आपने यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर आना है, एक की यूज़ कर लेना है, सेकंड की के ऊपर आना है, फिर एक की यूज़ करके इसको गाइस आपने यहाँ पे ज़ीरो कर लेना है। ये ज़ीरो हो चुका है, और गाइस आपको यहाँ पर कोई काम नहीं करना जब भी गाइस आप कोई और कलर यूज़ करना चाहें इन रिलिक्स के ऊपर। तो प्रीव्यू गाइस आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से आया है। ठीक है, आगे रेड आ चुका है। अब इससे यहाँ पे आपको एक और इफेक्ट नहीं बल्कि जो सेटिंग करनी है, इस RGB इफेक्ट को गाइस आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है। सबसे पहले गाइस आप देख रहे हैं इस इफेक्ट का जो सा लुक कुछ इस तरीके से आ रही है, इसको ऊपर की तरफ गाइस जो सा मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं लुक जो गाइस इसकी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये आ चुकी है इस तरीके से, और इसके ऊपर भी गाइस आपने सेम वही प्रोसेस दोबारा दोहरा लेना है। तो इसी तरीके से गाइस आपने जो सारा जो गाइस आपने लिरिक्स है वो गाइस आपने लिख लेना है, जितने भी गाइस आपके लंबे लिरिक्स हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।